नमस्कार, ओकिनावा प्रेजेंट चैंपियन की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं लक्ष्य शर्मा। आईपीएल 2023 में सुपर शनिवार को खेला जाएगा एक हाई वोल्टेज मुकाबला। एक हाई वोल्टेज मुकाबला क्यों? क्योंकि ये मुकाबला खेला जाएगा आईपीएल इतिहास की सबसे सफल टीमों के बीच में। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस तो सामने होगी, 4 बार की चैंपियन धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स। यह मुकाबला खेला जाएगा चेन्नई के घर यानी कि चेपॉक स्टेडियम पर, जहां पर धोनी की सेना हमेशा से विरोधियों पर भारी पड़ी है। तो इस मैच के बारे में बात करेंगे, इस पूरे यहाँ की कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एक बार दोनों टीमों के प्रदर्शन के बारे में बात कर लेते हैं इस आईपीएल में। तो पॉइंट टेबल देखें तो इस आईपीएल में यानी आईपीएल 2023 में सीएसके नंबर 3 पर और नंबर 6 पर है। कौन सी आपकी फेवरेट मुंबई इंडियंस की टीम? जी हाँ, पॉइंट टेबल देखकर साफ साफ इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों ही टीमों के प्रदर्शन में निरंतरता नहीं रही है, लेकिन धीरे धीरे ईसाई दोनों टीमें ट्रैक पे लौट रही है, पिछले मुकाबले जीत रही है। अगर बात करें मुंबई इंडियंस की, जिस तरीके से उन्होंने पंजाब किंग्स को हराया 200 से ज़्यादा रन का टारगेट चेस करते हुए, ये काफ़ी उनको उनके हौसले बुलंद करेगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव की फॉर्म वापस आना ये शायद मुंबई इंडियंस के लिए इस आईपीएल की सबसे बड़ी बात है। हालांकि एक टेंशन की खबर भी है, क्योंकि जो उनके कप्तान है रोहित शर्मा, उनका बल्ला लगातार आपको निराश कर रहा है और उम्मीद करेंगे कि चेन्नई में उनका बल्ला चमके। तो वहीं दूसरी बात करें चेन्नई के, तो चेन्नई के बल्लेबाज फॉर्मर है शिवम दुबई की बात कर लीजिए, कॉनवे रन बना रहे हैं, ऋतुराज गायकवाड़ रन बना रहे हैं, और जो स्पिन तिकड़ी है तीक्ष्णा मोइन अली और रविंद्र जडेजा, ये तीनों ही किसी भी विरोधी टीम को पस्त करने के लिए काफ़ी है। तो चेपॉक की पिच का मिजाज कैसा रह सकता है, इस बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में। अगर सीएसके और मुंबई के बीच पिच रिपोर्ट की बात करें तो इस मैदान पर ज़्यादातर टीमें टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनना पसंद करती है। वहीं पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ा लक्ष्य रखकर सामने वाली टीम को दबाव में ला सकती है। इस पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलती है, लेकिन जो टीम पहले बल्लेबाजी करती है उसको एक नुकसान ज़रूर होता है, जो बाद में ओस फैक्टर पड़ता है, क्योंकि चेन्नई में जो ओस है काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, और ओस फैक्टर किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल वाला वक्त होता है, क्योंकि गेंद ग्रिप नहीं होती है, स्पिनर्स की गेंद अच्छे तरीके से, वो कहते हैं ना, टॉस नहीं हो पाती है, पिच नहीं हो पाती है, और स्पिनर्स शायद फिंगर स्पिनर्स गेंद को अच्छे से स्पिन भी नहीं करा सकते हैं। इसके बाद तेज़ गेंदबाजों को भी मदद नहीं मिलती है, यहाँ पर स्पिनर्स हमेशा से हावी रहते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि दोनों टीम अगर पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल कर ले तो यहाँ पर बड़ा स्कोर भी बनाया जा सकता है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे या ऋतुराज गायकवाड़ ने दिखाया है कि अगर शुरुआत में पावर प्ले का अच्छे से इस्तेमाल किया जाए तो यहाँ पर एक सम्मानजनक स्कोर बन सकता है। अब आपको पिच रिपोर्ट बताई, अब आपको इस मैच की संभावित प्लेइंग 11 भी बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेहमान टीम मुंबई इंडियंस की। मुंबई की बात करें तो ईशान किशन और रोहित शर्मा आपको ओपन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद आएंगे कैमरन ग्रीन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, नेहाल वधेरा, पीयूष चावला, जोफ्रा आर्चर, कुमार कार्तिके और अरशद खान। वहीं अगर होम टीम यानी कि सीएसके की बात की जाए तो ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे आपको ओपन करते दिखाई देंगे। इसके बाद अजिंक्य रहाणे, शिवम दुबे, अंबाती रायडू, रविंद्र जडेजा, एमएस धोनी, महेश तीक्ष्णा, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे और पथी राणा। तो ये है दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11। अब आपको संभावित प्लेइंग 11 भी बताई, आपको पिच रिपोर्ट भी बताई, तो दोनों चीज़ देखने के बाद आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आपको मजबूत दिख रही है? क्या मुंबई इंडियंस अपना जो विजय रथ है उसको जारी रख पाएगी या चेन्नई उनका विजय रथ रोक देगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज़ नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि पूरे आईपीएल में ओकिनावा प्रेजेंट्स चैंपियंस की जंग यहां पर आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।